मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चों कैसे हो आप? देखो मैं प्रश्नावली 2 में आपको 6 और 7 क्वेश्चन समझा रही हूँ। सबसे पहला है, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। दोबारा देखो बच्चों, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपए में खरीदी तथा दूसरी रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपए में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने रुपए अधिक दिए? आप देखो कि अंशु के पैसे हैं 2,999 रुपए। अंशु ने कितने में खरीदा? 2,999 रुपए में। और रुचि ने कितने में खरीदा? 2,650 रुपए में। तो आप देखो किसके पैसे ज्यादा हैं? अंशु के। यह अंशु के पैसे और यह रुचि के पैसे। अंशु के हैं 2,999 रुपए और रुचि के हैं 2,650 रुपए। तो आप देखो इसमें से हमको इस संख्या को माइनस करना है। 9 में से आप पहले 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेंगे। फिर 9 में से आप 5 को माइनस करो तो कितने बचेंगे? 4। फिर 9 में से आप 6 को माइनस करो तो आ जाएंगे 3। और 2 में से 2 गए 0। तो बच्चों देखो इसमें आपको 349 रुपए अधिक, ये किसके हैं? अंशु के। 349 रुपए अधिक किसके हैं? अंशु के। तो इसमें अंशु ने 349 रुपए अधिक देकर एक साइकिल खरीदी। फिर देखो सेवन क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पर 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताओ। दोबारा देखो, दो संख्याओं का योग पर 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताओ। जो पहले आप सवाल को अच्छी तरह से समझो कि दो संख्याएं हैं, उनका योग है 7,678। अब उसमें से एक संख्या है 4,613, तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम 7,678 में से 4,613 को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। दोबारा देखो, 7,678 में से 4,613 को घटाएंगे तो देखो समझ लो, 8 में से 3 माइनस करो तो कितने आएंगे? 5। यहाँ 5 लिखो, 8 में से 3 गए 5, फिर 7 में से 1 गए 6, यहाँ 6 आ जाएंगे। 6 में से 6 माइनस करो कितने बचेंगे? 0, यहाँ 0 आ जाएंगे। फिर 7 में से 4 माइनस करो 3 आ जाएंगे, तो 3,065 दूसरी संख्या आ जाएगी। भाई इस संख्या में से एक संख्या तो आपको ये दी गई है और दूसरी संख्या ये आ जाएगी। बच्चों आपको जो दो सवाल समझाए गए हैं, मैंने जो दो सवाल आपको समझाए हैं उसमें दोनों माइनस के हैं, मतलब घटाने हैं। तो ये नहीं है, आप सवाल को पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिर उनको संख्याओं को उतार के घटाएंगे। तो आपको ये दोनों सवाल अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं और फिर मुझे मेरे नंबर पे भेजने हैं। थैंक यू।